प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह का सारे आशीष प्रेम आपका जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से देने पाए। आज हम नीति वजन 27 अध्याय उसका 17 पद, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। ये हम 27वीं अध्याय में हम मित्र के विषय में, दोस्तों का विषय में ज़्यादा बातें करते हैं। तो हमारा जीवन के अंदर इससे मित्र होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जीवन में हमारी हियाव को बढ़ाने वाला, हमारा उन्नति को चाहने वाला, हमें प्रोत्साहन करने वाला और हमारा हर परिस्थिति में हमें एक सहकारी के रूप में हमें मदद करने के लिए ऐसे मित्र होना बहुत अच्छा। ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे एक आत्मिक संबंध, आप एक आत्मिक विषय में बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, हम आत्मिक विषय में हमारा जीवन में ऐसे मित्र होना बहुत ज़रूरी है। उसी समय पर हमें समझ लेना इस मित्रता शायद अगर वो गलत है तो उतना हमारा जीवन में खतरा भी है। अगर गलत लोगों का साथ आप संगति करेगा, मित्रता रखेगा, आपकी आत्मिक उन्नति की जगह, आपकी आशीष की जगह वो आपको गिराने के भी कारण बन सकते हैं। इसलिए जब मित्र को चुनते हैं बहुत केयरफुली चुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मैं अपने जीवन के विषय में कहें तो मेरा जीवन में ऐसे मित्र को परमेश्वर ने दिया है तो उसके लिए हमारा जीवन में, अपना जीवन की बहुत कुछ बातों में प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे मित्र दिया है ताकि मेरा जीवन के लिए वो आशीष का कारण बने। ऐसे संगति होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पास्टर में ऐसे लोगों का साथ, हमारे जैसे सोचने वाला, हमारी आत्मिक उन्नति के विषय में बात करने वाला, और हम रिवाइवल के बारे में हमेशा बोलते हैं, रिवाइवल का दर्शन पाए हुए लोगों का साथ हमेशा संगति करने के लिए हम इच्छा रखते हैं ताकि हमारा आत्मिक उन्नति के लिए ऐसे रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। जो कोविड के समय आया था तब मेरा मन में आया, सब लोग अपने अपने घरों में कमरा बंद करके बैठा हुआ है, प्रभु ने अनुग्रह किया है उस समय जूम मीटिंग शुरू करके मैंने हर दिन सुबह एक कुछ दोस्त, क्योंकि हमारा दिल में हम समझने वाला, हमें प्रेम करने वाला कुछ पास्टर्स के साथ हमने हर दिन मॉर्निंग में एक मीटिंग, 1 आवर मीटिंग करने के लिए प्रभु ने मदद किया। वो मीटिंग हमारे लिए बहुत आशीष था क्योंकि चारों तरफ बहुत दुख भरा हुआ परिस्थिति और सब प्रॉब्लम, लेकिन हम सुबह हम मिलकर करीब 12-13 पास्टर्स थे, हम हर दिन प्रार्थना करते थे ये वातावरण बदले और देश में शांति आ जाए, देश में प्रभु का काम हो जाए, और एक दूसरों को उत्साहित करते थे। कभी कभी हम में से कुछ लोग ऐसे थे, हम बहुत डरे हुए अवस्था में थे, उसको हमने प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु ने मदद किया। वो जितना भी लोग हम थे वो सब लोगों का जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया। वो कोविड टाइम पर हमारा जीवन में मिनिस्ट्री डाउन होने की जगह मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए प्रभु मदद किया क्योंकि एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन गया। ऐसे मित्रता हमारा जीवन में होना ज़रूरी है। लोहा लोहे को चमकाते हैं वैसे एक दूसरे के साथ का संगति आपका मुख को चमकाने के लिए काम आ जाते हैं। ऐसे मित्रता मेरा जीवन की, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ मेरी सेवकाई में आशीष के लिए। मेरे बहुत सारे दोस्तों की बहुत जगह है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप मित्र को चुनेगा, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, आपकी भलाई के लिए होना चाहिए, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको आत्मिक बातों में, आपको आपका जीवन में खतरा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए व्हेनेवर यू आर चूसिंग द फ्रेंड्स बहुत केयरफुली, दूसरों की बुराई बोलने वालों का साथ मित्रता कभी ना करें। तो दूसरों का भलाई, कभी भी हम अपने जीवन के अंदर किसी का जज करने वाला ना बने,
हम दूसरों के लिए आशीष के लिए, पवित्र आत्मा उसके लिए आपको भी मदद करे। एक दूसरा मित्रता बहुत, संगति बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जाइए, हम एक सोशल बीइंग है, हम एक सामूहिक मनुष्य है, हमारा जीवन में ऐसे मित्रता बहुत जरूरी है। परमेश्वर उसके लिए आपको मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रिय भाई बहनों को, एक दूसरों को उत्साहित करने के लिए, एक दूसरों को चमकाने वाला, आमीन प्रभु, मित्रता में आगे बढ़ने के लिए सबको मदद करे, ऐसे मित्र मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, गलत अगर कोई रिश्ता है, अनगॉडली रिलेशनशिप किसी का जीवन में, वो सब यीशु के नाम से कट ऑफ हो जाए और गॉडली परमेश्वर की ओर से मिला हुआ अच्छे दोस्त, अच्छे मित्रता हमारा बीच में बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु का नाम है, आमेन। गॉड ब्लेस यू।